गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे एल्केन का, तो ये चैप्टर नंबर 13 है। हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो हेडिंग लगाएंगे सब लोग, हेडिंग लगाइए फटाफट। क्या है आपका? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख चुके थे, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो फटाफट से क्या करेंगे आप लोग, हेडिंग लगाइए, कॉपी कलम पेन लेके बैठिए सब लोग और मेरे साथ लिखते चलिए। तो अभी क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। इसका हिंदी होता है एल्केन के रासायनिक गुण। एल्केन के रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपका जो एल्केन है, तो एल्केन जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण लें, कोई उदाहरण, जैसे मान लीजिए हम इथेन लेंगे, समझिए बात को। इथेन यदि हम लेंगे तो इथेन का होता है फॉर्मूला C2H6 होता है। इसका यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए तो ऐसे बनेगा, यह है आपका इथेन, चूंकि दो कार्बन है तो इथ से बना इथेन। यहां पे आपको क्या याद रखना है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच देखिए, कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कहे तो क्या बोलेंगे? सिर्फ यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है आपका? सिग्मा बॉन्ड। यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड कब आता है? जब डबल बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, वहां क्या आता है? पाई बॉन्ड। तब पाई बॉन्ड कमजोर होता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने के कारण कहने का मतलब हुआ ये जल्दी टूटता नहीं है, और जल्दी जब ब्रेक नहीं होगा, जल्दी ये ब्रेक जब नहीं होगा तो फिर इसका रिएक्शन जल्दी संभव नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन ये करते हैं, और यहाँ पे जो एल्केन का जो रिएक्शन होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी देखें, कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये नॉन पोलर होगा। एनपी का मतलब क्या? नॉन पोलर। और कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी, उसका डिफरेंस भी बहुत कम होता है, तो ये भी क्या होता है? नॉन पोलर। तो यदि कोई पूछेगा एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसका कारण क्या है? इसका कारण आप बताएंगे, सबसे पहले इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता, इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता है। दूसरा रीजन बताएंगे, कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, मतलब कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है ये नॉन पोलर होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम होता है, उसका डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसके वजह से ये भी क्या होता है? नॉन पोलर होता है। ये क्या होता है आपका? नॉन पोलर है। तो ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आपका हैलोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका एक जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन जो है क्या करता है, एक हाइड्रोजन को हटा देता है, एक हाइड्रोजन को हटा देता है और हाइड्रोजन का जगह ले लेता है, हाइड्रोजन का जगह क्या करता है? ले लेता है। और इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी देखिए हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे सल्फोनेशन भी आएगा और एक आएगा आपका नाइट्रेशन आएगा, लेकिन ये आएगा हायर कार्बन एटम के लिए आएगा, लेकिन लोअर कार्बन एटम के लिए, लोअर एल्केन के लिए यहाँ पे हैलोजिनेशन अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन एटम का जुड़ना। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें हैलोजिनेशन हैलोजन होता है, हैलोजन से बना हैलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में देखेंगे हम लोग, हेलोजिनेशन सब लोग टिक लगाएंगे, हेलोजिनेशन। तो चलिए आइए देखिए, हेलोजिनेशन या फिर हेलोजिनेशन ना बोल के आप बोल सकते हैं, यहां पे सबसे पहले यहां पे जो रिएक्शन होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन का हिंदी से आप समझ में आ जाएगा, प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि यहां पे जो है हेलोजन एटम हाइड्रोजन को हटाएगा, कहां से, आपका एल्केन से। तो यहां पे यहां के जो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी से यदि आप रिएक्शन में ध्यान देंगे तो फायदा यह होने वाला है, सेकेंड ईयर के रिएक्शन में आपको दिक्कत नहीं होंगे, नया कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है प्रति स्थापन अभिक्रिया, ओके, क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ध्यानपूर्वक आप देखिए, प्रतिस्थापन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेबल है और उसमें से कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो कि रिएक्टिव ज्यादा है, तो एक को क्या करेगा, हटा देगा, एक को क्या करेगा, भगा देगा। तो यहां पे आप सिंपली बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या लिख सकते हैं, रिप्लेस लिखेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन, फ्रॉम द एल्केन बाय हेलोजन एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे हम हेलोजिनेशन पढ़ने वाले हैं, इसीलिए ये बात हम लोग यहां पे बोले हैं, है ना। तो कोई भी एटम हो, ऐसा जरूर नहीं कि हेलोजन के एटम के अंदर, मतलब कोई भी हो, यदि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो इसको बोलेंगे यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन, तो यहां पे क्या देखिए, हेलोजिनेशन में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हेलोजन एटम के द्वारा। अब यहां बोलेगा हेलोजन क्या है, तो हेलोजन सबको पता है, हेलोजन का मतलब हम लोग एक्स बोलते हैं, एक्स का मतलब यहां क्या है, फ्लोरिन है, क्लोरिन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये सारे चीज है। तो इनके द्वारा किसको रिप्लेस किया जाएगा, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा। यहां पे आप बोल सकते हैं कि एल्केन से, कहां से, एल्केन से हेलोजन के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु के रिप्लेसमेंट का मतलब क्या बोलते हैं, रिप्लेस मतलब उसको बदल देना, क्या करना, हटाना, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप यहां बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, हेलोजन परमाणु के द्वारा, क्या बोलिएगा बच्चे, हेलोजन परमाणु, चलिए लिखिए, हेलोजन परमाणु के द्वारा एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हाइड्रोजन एटम यहां से हटेगा, तो हैलोजन परमाणु के द्वारा एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसको क्या करें फटाफट नोट करें, आगे बताते हैं। चलिए बच्चों आइए देखिए हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन यानी कि अभी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखे, इसको देखेंगे हम लोग हैलोजिनेशन के तरह से। देखिए यहां पे हेडिंग लगाएंगे सब लोग, हैलोजिनेशन, 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 हैलोजन होता है, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हैलोजिनेशन रिएक्शन, इसको आप बोल सकते हो हैलोजनन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं? हैलोजनन, हैलोजनन अभिक्रिया, हैलोजनन अभिक्रिया। हैलोजनन में क्या होगा कि एक हैलोजन एटम होंगे और ये हैलोजन एटम क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को भगा देगा और उसका जगह ले लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है हैलोजन होता है। फॉर एग्जांपल देखिए हैलोजिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल जो अभी लिखवा है प्रतिस्थापन, वही है ये हैलोजिनेशन, है ना। हैलोजिनेशन में भी क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन एटम। यहां पे देखिए जैसे मान लिया जाए मीथेन है, सी एच फोर को क्या बोलिएगा, मीथेन, मीथेन का रिएक्शन सी एल टू के साथ करवाइएगा। यहां पे हम लेते हैं एनर्जी जो ले लेंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगा आपका यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं सनलाइट, क्या ले सकते हैं सनलाइट, या इसी को एच न्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं एच न्यू, एच न्यू यहां पे एनर्जी है, है ना। तो सनलाइट लीजिए या फिर इसको क्या बोलेंगे एच न्यू, एच यहां पे प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी है, एच न्यू यहां पे क्या है एनर्जी, ई बराबर एच न्यू भी होता है, ई बराबर क्या होता है एच न्यू। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में। या फिर टेम्परेचर यदि लेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, 573 केल्विन से, 573 केल्विन से 773 केल्विन लेना पड़ेगा। यदि टेम्परेचर हम देते हैं, ताप देते हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पे होता है 573, यानी कि टेम्परेचर यदि हम लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा, 573 से 773 केल्विन। ठीक है, इतना टेम्परेचर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ यहाँ का जो एक मैकेनिज्म में आप लोग को बताया जाएगा, एक जो क्लोरीन है एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा, उसका जगह ले लेगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3 और Cl, और बाहर निकल जाएगा HCl, बाहर क्या निकलेगा HCl। यहाँ पे ये है एल्केन, ये मीथेन है, ये क्या है आपका मीथेन। ठीक है, ये है आपका मीथेन, मीथेन में से मीथेन का है तो ये क्या है आपका एल्केन है, अभी अभी बताए थे ये क्या है आपका एल्केन है। इससे एक क्लोरीन क्या किया, क्लोरीन आया और एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसका जगह ले लिया, तो प्रतिस्थापन मतलब विस्थापन हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, भाग रहा है, उसकी जगह कौन ले रहा है आपका हैलोजन ले रहा है। यहाँ पे ये हो गया एल्केन, ये क्या हो गया हैलोजन, ये क्लोरीन क्यों क्या बोल सकते हैं आप हैलोजन, तो हैलोजन जुट रहा है इसलिए इसको हैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। अब ये जो बना इसको क्या बोलेंगे क्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे क्लोरोमीथेन, इसको क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, क्लोरोमीथेन, ये बन गया आपका क्लोरोमीथेन। ठीक है, उसी प्रकार और ये रिएक्शन रुकता नहीं है, आगे चलते रहता है। मान लिया जाए आपका क्लोरीन एक्सेस है, क्लोरीन क्या है आपका एक्सेस है, तो ये चलते रहेगा। अब फिर से अभी लेंगे क्लोरोमीथेन, जैसे मान लीजिए CH3 है और Cl है, अब फिर से यदि Cl2 से रिएक्शन इसका करवाएंगे, सनलाइट ले सकते हैं, सनलाइट या फिर क्या ले सकते हैं एच न्यू, एच न्यू एनर्जी है, एच न्यू यहां पे क्या है एनर्जी है। आप इसको नहीं भी लिखेंगे सनलाइट लिखेंगे चलेगा, या फिर एच न्यू लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे एच न्यू, ये एनर्जी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभी यहां पर देखिए हाइड्रोजन 4 था तो एक हाइड्रोजन निकला, उसके जगह क्लोरीन आ गया। अब इससे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 और Cl2 और बाहर क्या निकलेगा HCl। आप समझ सकते हैं इस रिएक्शन को, आगे तक आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक हाइड्रोजन हटते जाएगा, एक एक क्लोरीन जुटते जाएगा, एक एक हाइड्रोजन हटेगा, एक एक क्लोरीन का और क्या होगा जुटेगा। इसको क्या बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन,
दो क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो, डाइक्लोरोमेथेन, ये क्या बन गया, डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है। दूसरा, फिर से ये रिएक्शन अभी रुकेगा नहीं, इसका मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहां पे देखिए आपका क्या है, CH2 बचा और Cl2 है, इसका रिएक्शन फिर से Cl2 के साथ करवा देंगे और क्या लेंगे, सनलाइट लेंगे या फिर H2 ले सकते हैं, एनर्जी बोलते हैं उसको। अब यहां पे क्या हुआ, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो कितना बचेगा, CH बचेगा, CH और Cl3 हो जाएगा, अब बाहर निकलेगा HCl, क्या निकलेगा, एक एक क्लोरीन जुटते जाएगा, एक एक हाइड्रोजन निकलते जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन। और याद रखेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसको यदि किसी को सुंघा देना है, जैसे ट्रेन वगैरह में क्या करता है, कभी कभी इसको सुंघा देता है लोग, सुंघा देने से क्या होता है, बेहोश हो जाता है, क्या होता है, लोग बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह का ये क्या है, बेहोशी का दवा है, इसको क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरोफॉर्म, तो CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म, याद करने की बात है, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। उसके बाद फिर यदि फिर से जब तक ये हाइड्रोजन पूरा खत्म नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन चलते रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्लोरीन लिया गया है एक्सेस में, यहाँ क्लोरीन क्या है, एक्सेस में, एक्सेस का मतलब अधिक मात्रा में, एक्सेस का मतलब क्या होता है, यहाँ क्लोरीन एक्सेस मात्रा में। फिर से मान लीजिए क्लोरीन एक्सेस नहीं है, यदि मीथेन एक्सेस है तो क्लोरीन खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा, मीथेन में हाइड्रोजन बच रहा है, फिर से क्लोरीन डालना पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, CHCl3 है, यदि CHCl3 का रिएक्शन फिर से Cl2 के साथ हो जाए और प्रेजेंस में क्या लेंगे, सनलाइट ले सकते हैं या फिर H2 क्या है, एनर्जी है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ, फिर से क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा, ये क्लोरीन छोड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl, क्या बनेगा, HCl। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हैलोजिनेशन है, पूरा का पूरा रिएक्शन क्या है, हैलोजिनेशन। अब इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको क्या पढ़ेंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन, या इसी को पढ़ा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर क्या पढ़ा जाता है, कार्बन ट्राइक्लोराइड, क्लोरोमीथेन या कार्बन क्लोराइड बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो CCl4 ये खतरनाक होता है, CCl4 हम लोग प्रणोदक के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यदि इसको किसी को सुंघा दिया जाए तो ढेर सारा बीमारी होता है, मिचली आएगा, वोमिटिंग वगैरह होगा, कोमा में जा सकता है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे हैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हैलोजन जुट रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो क्या क्या बना यहाँ पे, क्लोरोमीथेन बना, डाइक्लोरोमीथेन भी बना सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन भी बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका हैलोजिनेशन है। तो हैलोजिनेशन में आप देख सकते हैं आराम से, एक एक हाइड्रोजन भागेगा, उसके जगह कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, ठीक है। तो ये था आपका हैलोजिनेशन, इसका जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, अभी जो रिएक्शन हम लोग देखे थे इसमें मैकेनिज्म देखेंगे। तो अभी देखिएगा, हेडिंग लगाइएगा मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, यानी कि हैलोजनन के क्रियाविधि, हैलोजनन के क्रियाविधि। तो अभी देखिए आप लोग लिखेंगे, हेडिंग देंगे हैलोजनन के क्रियाविधि। अभी ये जो रिएक्शन हुआ ये कैसे टूटा, कैसे जुटा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तीन तरीका है इसको जानने के लिए, कितने तरीके हैं, तीन। पहला का नाम है
इनिशिएशन इसको बोलते हैं समारंभन, शुरुआत जिसको बोलते हैं। समारंभन का मतलब क्या होता है बच्चे? शुरुआत, शुरू कैसे होता है। इनिशिएशन का मतलब समारंभन, समारंभन होता है। समारंभन का मतलब शुरुआत यहां पे कैसे होता है, ठीक है। दूसरा जो है प्रोपागेशन का मतलब बोलते हैं संचारण। क्या बोलते हैं? संचारण का मतलब आगे कैसे, प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ता है। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका टर्मिनेशन का मतलब समापन होता है, समापन। तो यहां पे दो तीन बातें देखना है, समारंभन, संचारण। तो यहां पे तीन स्टेप आएगा मैकेनिज्म में। कितने स्टेप आएंगे? तीन स्टेप। फटाफट लिखें सब लोग, जल्दी से लिखें। तो इसमें तीन स्टेप आएगा। तो पहला है इनिशिएशन, दूसरा है प्रोपागेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। तो सबसे पहले अभी हेडिंग लगाएंगे इनिशिएशन, समारंभन कैसे होता है, समारंभन कैसे होता है। तो पहला हेडिंग लगाएंगे, सब लोग ले लिए, सब लोग क्या करें इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अभी हम लोग देखेंगे पहला जो पॉइंट है वो है इनिशिएशन। लिख लिए सब लोग? देखिए, तो अभी देखेंगे हम लोग इनिशिएशन आखिर कैसे होता है, इनिशिएशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे लिया गया है एल्केन कहे तो हाइड्रोकार्बन, और क्या लिया गया है आपका हैलोजन लिया गया है। तो हैलोजन में क्या लिया गया था? Cl2। आप Br2 भी ले सकते हैं। तो जैसे आपका Cl2 को यदि देखा जाए, Cl2 यदि देखा जाए तो Cl2 में जब हम लोग एनर्जी देंगे Hν, ये होगा आपका इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब ऊर्जा। कोई भी बॉन्ड यदि तोड़ना है तो ऊर्जा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा। तो मान लिया जाए यहां पे रेडिकल बनता है, यदि कोई इनिशिएशन में क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। क्या बनता है यहां पे? फ्री रेडिकल। इनिशिएशन में बनता है फ्री रेडिकल। एक बात और सीखिए, फ्री रेडिकल एक नया चीज आप लोग, नए मतलब शब्द आएंगे। तो फ्री रेडिकल का मतलब होता है बच्चे, फ्री रेडिकल का मतलब होता है मुक्त मूलक बोलते हैं इसको। अभी देखेंगे मुक्त मूलक क्या है। मुक्त मूलक फ्री रेडिकल यहां पे बनेगा। यदि कोई पूछेगा इनिशिएशन में क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। प्रोपागेशन में और उसमें भी बनता है फ्री रेडिकल। अब देखना फ्री रेडिकल क्या है। जैसे Cl2 को आप क्या लिख सकते हैं? Cl, जैसे दो चार दो छः और एक सात। अब यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि ये बॉन्ड बना Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग एनर्जी देंगे Hν, तो होता यूं है कि जैसे ये सिंगल बॉन्ड में, एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। ये जो बिंदी है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो होता है यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज बनता है। क्या बनता है? होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है जब एटम बराबर मात्रा में अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसको क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज। तो कहने का मतलब जैसे एनर्जी देंगे तो बोलेगा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये बॉन्ड जो बना है दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वापस ले लेगा। क्या करेगा? वापस ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बनेगा? Cl+Cl, और इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे इसको क्या पढ़ा जाएगा? अभी इसको क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ये दोनों बंदे को अब क्या पढ़ा जाएगा? फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन। सबको समझ में आ गया? फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन कैसे हुआ समझ में आया? जैसे ऊर्जा दिए, जैसे मान लीजिए दो दोस्त है, दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, लेकिन तीसरा आदमी आके उसको फोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो भाई दोनों में जो, जैसे दो आदमी मिलकर बिजनेस यदि किया, एक एक लाख रुपये लगा के 2 लाख, अब मान ली दोनों के, दोनों को बिजनेस नहीं करना है, तो फिर क्या कर देगा, अपना अपना पैसा क्या करेगा, वापस कर लेगा। तो जैसे ही एनर्जी मिला, जैसे ही क्या मिला, एनर्जी मिला, तो एनर्जी मिला तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का था, एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से देख सकते हैं साफ साफ, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो जैसे एनर्जी मिला, यदि अलग होना चाहेगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, बोलते हैं क्या बोलते हैं, यानी कि ये हुआ क्लोरीन के मुक्त मूलक, इसको क्या कहा जाता है, जो फ्री में इलेक्ट्रॉन, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, यदि हम मीथेन के पास ले जाएंगे तो मीथेन को भी तोड़ देता है, मीथेन को भी क्या करता है, तोड़ देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, इनिशिएशन। शुरुआत कैसे होता है, जैसे ही क्लोरीन को एच न्यू एनर्जी मिलता है, ये टूट जाता है और क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल बन जाता है। तो ये कैसे बना फ्री रेडिकल, सबको पता है, समझ में आ गया, ये क्या बन गया आपका, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल अब क्या करेगा, जैसे मीथेन लिए थे, मीथेन में Cl2 के साथ रिएक्शन करवाए थे, तो वो डायरेक्ट नहीं था, वो रेडिकल रिएक्शन किया था, तो इसको लिख ले। उसके बाद दूसरा हेडिंग लगाएंगे प्रोपागेशन, आपको बताते हैं क्या बताते हैं, प्रोपागेशन, फटाफट लिखें इसको जल्दी से, लगा लिए सब लोग हेडिंग, अभी हेडिंग क्या लगाएंगे हम लोग, प्रोपागेशन, चलिए लिखिए प्रोपागेशन, प्रोपागेशन रिएक्शन। प्रोपागेशन का मतलब क्या बताए, संचरण बताए थे, क्या बताए थे, संचारण। प्रोपागेशन मतलब क्या होता है, संचारण, हिंदी में क्या लिखेंगे, संचारण। प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, संचारण, ठीक है। संचारण में क्या होगा कि अब आगे स्टेप बढ़ेगा, चूंकि हमें तो क्या बनाना है, मतलब हेलो एल्केन बनाना, हेलो एल्केन मतलब जैसे एल्किल हैलाइड जो होता है ना, जैसे क्लोरो मीथेन बोले थे, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं, या फिर इसी को हेलो एल्केन। सेकेंड ईयर में एक चैप्टर आएगा हेलो एल्केन, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लोग देखिए इनिशिएशन, इनिशिएशन में क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज बना था, क्या बना था, होमोलाइटिक, इसको हम होमोलाइटिक क्लीवेज भी बोलते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये जो आप लिखे थे सी और ये Cl है, यहाँ पे क्या दिए, एच न्यू दिए, तो यहाँ बना Cl रेडिकल, और फिर क्या बना Cl रेडिकल, यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया अपना, और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लिया, तो ये जो घटना घट रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक, होमोलाइटिक, यहाँ पे जो बनेगा होमोलाइटिक क्लीवेज बनेगा, होमोलाइटिक मतलब क्लीवेज बोल सकते हैं, या होमोलाइटिक फ्यूजन बोल सकते हैं, होमोलाइटिक क्या बोल सकते हैं इसको, होमोलाइटिक फ्यूजन बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलाइसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोलाइसिस भी कहा जाता है, होमोलाइसिस भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज बन रहा है, तो इसको होमोलाइसिस बोलते हैं। होमोलाइसिस का मतलब, होमो का मतलब क्या होता है, समान, यानी कि समान इलेक्ट्रॉन लेगा ये आपस में, क्या लेगा, समान इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं प्रोपागेशन में क्या होता है, प्रोपागेशन में क्या है, जैसे कि आप लेके मीथेन है, मीथेन है, अगला काम हुआ, तो ये जो रेडिकल बना है ये तो फ्री में बैठा नहीं रहेगा, अब बेचारा देखिए मीथेन जो है स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है, कोई दिक्कत इसको नहीं है, लेकिन बीच में आपका ये आ जाएगा कांटा बन के, और ये पूरा फैमिली को क्या करेगा, बिगाड़ देगा, क्या करेगा, बिगाड़ देगा। क्या करता है ये, जैसे ये रेडिकल आएगा Cl, ये रेडिकल आएगा, उसके बाद इसका घर भी तोड़ देता है, इसका घर को क्या करता है, उजाड़ देता है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही खतरनाक चीज है, एच न्यू, ठीक है। अब ये क्या बना लेगा, इसका एक हाइड्रोजन को छीन लेगा, ये जबरदस्ती क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन को छीन लेगा, क्योंकि ये ताकतवर है, बहुत ज्यादा वायलेंट है, रिएक्टिव है, तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसका छीन लेगा, एक हाइड्रोजन छीन लेगा, तो ये बुड़बक बन जाएगा CH3 रेडिकल बन जाएगा। अब एक हाइड्रोजन इससे निकलेगा, तो जैसे कि आप देखिए कार्बन में 4 बॉन्ड ऐसे होता है ना, 4 बॉन्ड इस तरह से होता है, समझिए बात को, इस तरह से 4 बॉन्ड होता है, तो क्या करेगा ये जब टूटेगा एच न्यू के प्रेजेंस में, क्योंकि एक हाइड्रोजन किसको चाहिए, क्लोरीन को चाहिए, तो तोड़ना पड़ेगा, बोलते हैं ना कलेजा काट के दे रहे हैं, वही कलेजा काट के इसको देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका छोड़ देगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो अलग हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड, अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपना बोरिया बिस्तर लेके साइड, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके साइड हुआ, तो ये बना ए वाला। अब ये क्या करेगा, ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये बचेगा CH3 और एक बन जाएगा
HCl, क्या बनेगा HCl। अब जो है फिर से वायलेंट हो जाएगा, अब दो परिवार का लड़ाई ये कभी रुकेगा नहीं, अब फिर से वायलेंट होगा कौन CH3, बोलेगा आओ बेटा अब तुमको बताते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा, ये तो पहला हुआ, फिर से युद्ध शुरू होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो ये एक नंबर मान लें, तो दूसरा में क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, ये जो CH3 है और ये वाला है रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं मिथाइल रेडिकल, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़िएगा मिथाइल, मिथाइल रेडिकल, जब अपना टूट के अपना इलेक्ट्रॉन जब ले लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको रेडिकल है। अब फिर से आया कौन Cl2, क्या आया Cl2, अब ये तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया, अब इसका क्या करेगा ये क्लोरीन को छीन लेगा, बोले आओ अब फील्ड में, अब ये क्या करेगा इसका भी घर उजाड़ देगा, ये क्या करेगा CH3 और Cl बन जाएगा, और उसके बाद एक Cl रेडिकल, यहाँ क्लोरीन रेडिकल मिलेगा, क्या मिलेगा क्लोरीन रेडिकल मिलेगा, और ये लड़ाई रुकेगा ना, आप आगे आगे आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप CH3Cl है, CH3Cl है, अब फिर से अब यहाँ पे रेडिकल से रिएक्शन होगा, तो अब इसको क्या करेगा इसका फिर से एक हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, मतलब ये जो है ये रुकने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए ये CH3 था, अब ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, तो एक क्लोरीन को छीन लिया इससे, तो क्लोरीन अकेला बचा बेचारा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लीवेज बनेगा, यहाँ पे ये क्लोरीन Cl2 है, ये क्या है आपका Cl2 है, ये टूटेगा तो ये रेडिकल में बदल जाएगा, तो एक रेडिकल कौन ले लेगा, ये वाला रेडिकल ले लेगा, बचेगा क्या Cl रेडिकल बचेगा। अब ये बन गया ये, अब देखिए CH3 है, अब इसको भी चैन से नहीं रहने देगा, फिर से ये रेडिकल, ये जो है रेडिकल इसके साथ फिर से युद्ध करेगा, इसका एक हाइड्रोजन लेके भागा भागा भाग जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन लेके फिर से भागेगा, मतलब परंपरा, मतलब बोलते हैं ना, मतलब जन्मजात दुश्मनी, वही दुश्मनी हो गया दो परिवार के बीच, किसके बीच, एक CH4 के बीच लड़ाई चल रहा है और एक चल रहा है Cl2, दोनों ही आपस में स्टेबल है, अलग अलग जब है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ आया, तो अब देखिए ये रेडिकल क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है इससे, तो इसका एक हाइड्रोजन लेके भागेगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा टूटेगा ये, तो ये बन जाएगा CH2 बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा CH2 बनेगा, और Cl तो रहेगा, और यहाँ पे एक रेडिकल है, और ये बन जाएगा HCl। अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुआ, अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुआ, फिर से आगे जब देखिएगा तो ये CH2Cl जो है फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा इसका एक क्लोरीन आप फिर से ले लेगा, इसका एक क्लोरीन फिर से लेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, लड़ाई आगे बढ़ते जा रहा है, इसका एक ले लेगा, और लेने के बाद फिर क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH और CH2 और Cl2 बना लेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा एक रेडिकल। अब ये रेडिकल जो है फिर से इस पर अटैक करेगा, फिर से क्या करेगा अटैक करेगा, ये चलते रहेगा, टेंशन की बात नहीं है, तो ये बचा क्या चीज CH2 और Cl, CH2 और क्या बना अच्छा इससे लिया एक रेडिकल, सही है CH2 Cl2 है। अब ये रेडिकल फिर से नहीं मानेगा, ये रिएक्ट करेगा, अब ये क्या करेगा रेडिकल इसका हाइड्रोजन ले जाएगा, इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा ले जाएगा, इसका हाइड्रोजन ले गया तो यहाँ पे हो जाएगा CHCl3 CHCl2 हो जाएगा, CH2 हाँ, तो ये हो जाएगा CHCHCl2 और ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, और ये बन जाएगा आपका HCl, क्या बनेगा HCl। अब देखिए ये भी और नहीं रुकेगा, ये अभी और नहीं रुकेगा, आगे यदि बढ़ता है तो ये आगे क्या कर सकते हैं, छठा पॉइंट में क्या कर सकते हैं आप देखिए, वैसे यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। अब ये जो है ये CH है और Cl2 है और यहाँ पे क्या है रेडिकल है, फिर Cl2 के साथ लड़ाई होगी और यहाँ पे HNu है, यहाँ से क्या करेगा इसका एक क्लोरीन को ले लेगा, तो ये बन जाएगा CHCl3 और ये एक रेडिकल बचेगा, ये रेडिकल बचेगा आपका, तो इस तरह से चल रहा है, अभी भी लड़ाई खत्म नहीं होगा, फिर CHCl3 का जो है किसके साथ पाला पड़ेगा, इसके साथ, इस रेडिकल के साथ, तो
तो फिर इसका एक हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा और एक रेडिकल बनेगा। तो समझ में आ रहा है। तो इसको बोलते हैं प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपागेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोपागेशन। ध्यान पूर्वक समझिए। जैसे मान लीजिए CH4 है, ये रेडिकल आया, इसका घर को उजाड़ देगा, मतलब इसका एक हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, तो इसको क्या बना देगा? रेडिकल बना देगा, मतलब इसको गुस्सा दिला दिया। अब ये अस्थाई नहीं है, अस्थाई जब नहीं है फिर Cl2 जैसे ही इसके सामने आएगा तो इसका एक Cl2 एक Cl ले लेगा, बना लेगा CH3Cl। अब यहाँ क्लोरीन 2 था, अब एक क्लोरीन भाग गया तो एक क्लोरीन बचा, उसका रेडिकल बचा। अब ये रेडिकल फिर से इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा, अब जो यहाँ CH3Cl था बन जाएगा यहाँ पे क्या? CH2 रेडिकल Cl और HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये पूरा प्रक्रिया क्या है? प्रोपागेशन है। ये क्या है आपका? प्रोपागेशन है। लास्ट है इनिशिएशन। क्या है आपका? इनिशिएशन। देखिए इनिशिएशन को लास्ट क्या बता रहे हैं? इनिशिएशन। तो ये प्रोपागेशन था, ये मैकेनिज्म है, मतलब आपको बता रहे हैं कि आखिर जैसे शादी ब्याह होता है तो डायरेक्ट हो जाता है, तो बहुत सारा प्रक्रम होता है ना, वही बात है यहाँ पे। तो ये होता दूसरा प्रोपेगेशन, और लास्ट है आपका तीसरा क्या बताए थे? इनिशिएशन, ए क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब होता है समापन होता है। क्या होता है? समापन। समापन में कुछ नहीं है, समापन। समापन आसानी से बता सकते, जैसे अब Cl है रेडिकल और फिर Cl रेडिकल है, दोनों जुटेगा तो क्या बनेगा? Cl2। क्या बनेगा? Cl2। दो रेडिकल है, Cl रेडिकल और Cl, तो क्या बनेगा? Cl2 बनेगा। उसी प्रकार मान लीजिए दो आपका रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल है, CH3 रेडिकल है और फिर CH3 रेडिकल है, तो ये क्या बना लेगा? CH3। और दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलके सिंगल बॉन्ड, तो CH3। ऐसे भी तो हो सकता है जैसे CH3 रेडिकल है और ये क्या है? Cl भी रेडिकल है, तो ये भी आपस में क्या बना लेगा? CH3Cl। तो इसको बोलते हैं समापन। क्या बोलते हैं? समापन। जब रेडिकल रेडिकल आपस में मिलते हैं तो लड़ाई क्या होता है? खत्म हो जाता है, सुलह हो जाता है। कोई भी लड़ाई जब शुरू होता है तो अंत होता है ना जी, तो यही अंत हो रहा है। जब रेडिकल रेडिकल आपस में टकराएंगे तो ये आपस में कंप्रोमाइज कर लेता है, आपस में क्या करता है? कंप्रोमाइज कर लेता है इस तरह से। तो ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म भी बता दिए, हैलोजिनेशन का क्या बता दिए? मैकेनिज्म। हैलोजिनेशन के मैकेनिज्म में तीन पार्ट आएगा। पहला आएगा क्या चीज? पहला आएगा इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्लीवेज क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा। रेडिकल फिर प्रोपागेशन आएगा, तो प्रोपागेशन में क्या होगा कि हाइड्रोकार्बन के साथ लड़ाई होगी, तो वहां पे आपका क्या बनेगा? फिर से रेडिकल बन जाएगा। हाइड्रोकार्बन का क्या बनेगा? रेडिकल बनेगा। ये रेडिकल फिर रिएक्टिव हो जाएगा, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। अब क्लोरीन को क्या करेगा? रेडिकल बना देगा। पहले इसको मारा, एक ठो को मारा, ये वाला लेग भाग गया, अब फिर ये गुस्साया, फिर क्लोरीन को एक लग भाग जाएगा। ये चलते रहता है, ये क्या होता है? चलते रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग देखे हैलोजिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये था इसका केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें दो बात और बताना है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ठीक है, तो ये एल्केन का पूरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको ठीक से नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।